गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं एम के लीड और मैं हूँ मंजीत। तो आज मैं आपको गोवा के पालोलम बीच पे लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये साउथ गोवा में है। आप गोवा आए तो साउथ गोवा का पालोलम बीच ज़रूर देखने आएँ, क्योंकि यह बीच बहुत ही सुंदर है और आइसोलेटेड है, मतलब शांत है। यहाँ पे लोग रहते हैं, बट जो थोड़ा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते उनके लिए यह बीच बहुत खूबसूरत है। और ये बीच पूरा क्लीन है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और यहाँ पे लोग अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, देखिए। और चारों तरफ, बीच के चारों तरफ में वहाँ पे कोकोनट के ट्री लगे हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, लंबे लंबे से ग्रीन ग्रीन। तो एक तरफ पूरा पानी है उसका, बहुत खूबसूरत नीला नीला पानी दूर से दिखता है, और बाकी चारों ओर पूरे जो हैं वो कोकोनट के ट्री दिखे, मतलब लगे हुए हैं। और ये देखिए साइड व्यू मैंने लिया है एकदम, तो पानी का बहाव बहुत अच्छा आता है वहाँ से जब, और मैं अभी जब वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पैर के नीचे से जो पानी वापस जाता है तो उससे मेरी पकड़ भी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो इसलिए जब भी आप बीचेस पे जाएं तो पानी की जब लहरें आती हैं आपके तरफ तो अपनी पकड़ को मजबूती से बना के रखें ताकि आप गिर ना जाएं। पानी बहुत ठंडा है और जैसे जैसे अभी धूप बढ़ेगी तो पानी का जो ठंडापन वो थोड़ा कम हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लोग देखिए सब अपना यहाँ पे कोई वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई बीचेस के अंदर में जाके पानी में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये बीच ओवरऑल बहुत खूबसूरत है और ये वहाँ का बीच हट है। अगर आप बीच में रह के पूरा इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रेंट पे रूम मिलते हैं, वहाँ जाके आप बुक कीजिए और बीच के सामने ही आप रह के पूरा बीच का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, खाने का हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहाँ, मिल जाती हैं। तो यहाँ का पालोलम बीच मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग 2 दिन यहाँ स्टे किए थे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप यहाँ से और अंदर जाएंगे तो आपको और भी बीचेस मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स लिख के भेजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।